मेरा नाम वसु राठौड़ है और मैं गांधीनगर से हूँ और हमारे पास छोटे बड़े मिला के 12 गाय और उसके बछड़े हैं। 1 साल से हमारी गौशाला चलती है। रमेश भाई से अनुभव तो बहुत अच्छा मिला, पर इससे पहले उनके जो YouTube पर हम वीडियो देखते थे, तो अभी 15 दिन पहले मेरी एक गाय है, मतलब वो जल्दी भी आ गई, मतलब 8-20 दिन पहले। तो मैंने देखा इसकी केयर कैसे करें, क्योंकि वो बहुत लूज हो गई थी, बीमार हो गई थी, उसको बुखार था, खाना नहीं खाती थी, उसका अडर इतना सूज गया था कि वो बैठ नहीं पाती थी। तो मैंने इनका वीडियो देखा और वीडियो में इन्होंने जैसे बताया कि उसको हल्दी और नमक वाला जो उबाला हुआ पानी है उससे नहलाओ, डाल के उसको धूप दो। तो मैंने कहा चलो इस बार एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने वो ऐसा किया, तो पहले दिन जो गाय उसके अडर को हाथ नहीं लगाने देती थी, उसने हाथ लगाने दिया। 2-3 दिन ऐसे किया, चौथे दिन गाय एकदम रिलैक्स हो गई, उसका बुखार चला गया और सही में इतना फर्क पड़ गया। आज मेरी गाय के 15 दिन हो गए हैं, 15 दिन में गाय इतनी अच्छी हो गई है। और उसका बच्चा हुआ तो वो इतना मतलब वीक था कि वो हिल भी नहीं सकता था, उसके मुंह उठाते तो ऐसे ऐसे गिरा देता था। तो हमने ही होगा इन यहाँ पे हमने फ़ोन किया तो बताया भैया ने कि आप ऐसा करो, उसको मुंह में पहले उंगली डालो, क्योंकि हमें इतना अनुभव नहीं था, तो ये पहला एक्सपीरियंस था हमारा। तो यहाँ से बताया वैसे किया, तो आज वो 1 ही घंटे के अंदर जैसे हमने उसको वो दूध पिलाया तो वो खड़ा भी हो गया और दूध पीने लगा, और उसके बाद अभी तो उछल कूद भी करता है। और जैसे यहाँ से हमने सीखा उसके हिसाब से हम चले, तो हमारा मतलब अच्छा चलता है। वो आगे भी हम इनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ेंगे। और मैं रमेश भाई से फिर से एक बार थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा ज्ञान देते हैं। सही में सबको इनसे ऐसा ज्ञान लेना चाहिए और अपनी गौशाला इनके मतलब ज्ञान से आगे बढ़ानी चाहिए, तो बहुत ही अच्छा चलेगा आपका गौशाला। थैंक यू।